ऐसे मांगता होता था। क्या हो गया? सो गाइस, आप सोच रहे हो कि ये पैसों की क्या बात हो रही है। वेल, यहाँ पे हम अपने बचपन की बातें कर रहे हैं, पॉकेट मनी की। किसको मिलती थी यार? पता नहीं, हमने तो कभी पॉकेट मनी कभी ली नहीं। 10-10 रुपए मारते थे मम्मी से। हमें कभी भी पॉकेट मनी बचपन में नहीं मिली। गौरव, आपको मिली है? 10 रुपए लेता था यार कभी कभी ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए। मुझे कभी नहीं मिली है पॉकेट मनी। मैंने कभी नहीं पॉकेट मनी ऐसे नहीं मिलती थी, वो मांग लेते थे मम्मी से, मांग लेते थे, मम्मी पैसे देती थी। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम जा रहे हैं कहीं कुछ काम कराने। जैसा कि आपको बताया था कि गौरव के फोन की स्क्रीन टूटी हुई है, सो गौरव के फोन की स्क्रीन फिक्स करानी है। बट शाम के 4 बज रहे हैं, सो वी डू नॉट नो कि भाई जहाँ पे हम जा रहे हैं वो सर्विस सेंटर खुला होगा या नहीं खुला होगा। सैमसंग का सर्विस सेंटर है मारथली में, सो देखते हैं खुला होगा तो वी आर गोइंग टू गेट गौरव स्क्रीन, फोन स्क्रीन, नॉट गौरव की स्क्रीन, गौरव की फोन स्क्रीन रिप्लेस्ड। मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप टूटा हुआ शीशा अपने पास रख रहे हो, एंड हम सबको पता है कि टूटा हुआ शीशा घर पे नहीं होना चाहिए। तो या बहुत टाइम हो गया था मैं अब गौरव के पीछे पड़ी हूँ कि अपने फोन की या तो स्क्रीन रिप्लेस कराओ या फोन नया लो। गौरव कहते हैं फोन तो सही है, तो फिर हमने कहा स्क्रीन रिप्लेस कराओ फिर। सो गौरव, वेलकम बैक नहीं किया आपने? हाँ गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सबके लिए जो जहाँ पे हैं। एक ही दिन में सब कुछ हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। हाँ, जो जहाँ पे है, मतलब जो जब देख रहे हो आप, हमें नहीं पता आप कब देख रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए अपना फोन दिखाना यार। फोन मेरा ऐसे है, देख ले भाई। सो नए ट्रिप की तैयारी हो रही है, कहाँ जा रहे हैं गौरव? अभी बताना नहीं है, कुछ नहीं पता क्योंकि अभी फिक्स नहीं है। कुछ फिक्स नहीं है तो बताइए आप सब लोगों को। सो ये आप देख पा रहे हो कि गौरव के फोन की स्क्रीन टूटी हुई है, बट ये फोन इतना रफ एंड टफ है कि लद्दाख ट्रिप अच्छे से करके आया है। बस निकल चुके हैं, अब देखते हैं पहुंचते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। इवन मुझे अपने फोन का टेम्पर्ड भी चेंज करवाना है, और इसका फोन का टेम्पर्ड मेरा क्रैक हो गया, दिख नहीं रहा है बट हाँ स्लाइटली क्रैक्ड है। फोन तो इस तरीके से नए है ना कि बिल्कुल ही एक तो एक कवर में होते हैं, टेम्पर्ड के साथ होते हैं, तो इनमें जीरो स्क्रैच है, जीरो स्क्रैच। आई मीन एक आपको स्लाइटेस्ट लाइन भी नहीं मिलेगी। मैं इतना ध्यान से अपने फोन रखती हूँ, और टेम्पर्ड जैसे ही टूटता है मैं टेम्पर्ड चेंज करा देती हूँ। मेरे को टूटी हुई स्क्रीन बिल्कुल पसंद नहीं आती। ओ कान में मारा भाई इसने तो। ऊपर से कुछ खोला होगा क्या? हाँ, वो खुली हुई है ना, सनरूफ खुली हुई है, टिल्ट करी हुई है। आज यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो गया है, बादलों वाला, बारिश वाला मौसम हो गया। कल कड़ाके की धूप निकली थी, आज बिल्कुल ऐसा मौसम हो चुका है। एंड यहाँ पे बारिश आ गई है। ये कौन सा एरिया? आउटर रिंग रोड है ना, मारथली पास, आउटर रिंग रोड पे है। हाँ, आउटर रिंग रोड पे है ना ये। हम पहले हम इसी एरिया में हुआ करते थे, पुराना एरिया है अपना, बट ये बहुत कंस्ट्रक्शन वाला है। कंस्ट्रक्शन वाला भाई यार, इतनी सॉलिड कंस्ट्रक्शन हो रही है ना यहाँ पे। नंबर प्लेट टूटी हुई है। हाँ तो होती है, हमारी भी एक बार ऐसी टूटी हुई थी, याद है? भूल गई। यही वाला है? इधर नहीं, आगे वाला। आईफोन वाला? ये लिखा ना सैमसंग फर्स्ट फ्लोर। ओके ये रहा, यही है ना? हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर है। मतलब बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, गाड़ी यहाँ अंदर हो जाएगी, यहाँ होगी ना, ये देखिए देखिए। हाँ यहाँ हो जाएगी। मैं बैठूँ? हाँ तो बैठ दे, या चलूँ? बैठ दे मैं देखूँ। हाँ गाइस, तो ये 3500 रुपये लग गए हैं इस फोन के लिए रिप्लेस करने के लिए। 3500 सिर्फ? हाँ। स्क्रीन रिप्लेसमेंट? हाँ यार, फोन कितने का था? फोन हमारा ये 9000 का था। चलो फोन ठीक हो गया, बट फोन तो अच्छा है यार, चलता अच्छा है। नहीं चलो ठीक है, अब इस पर टेम्पर्ड लगवा लो, अब दोबारा 35000 नहीं खर्च करने। 35000 और 3500। चलो अब निकलते हैं, कोई और काम है या घर निकले? घर निकले, चलो भूख लग गई। हाँ तो मुझे। So guys, ये जो था ये एक ऑथराइज सर्विस सेंटर था, हालांकि
नॉर्मली ये स्क्रीन के जो जितने भी कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट लाइक 1/3 ऑफ द फोन कॉस्ट ही होता है। जो एक बार ही तो हम सोचने लग गए थे नया फोन ही ना लेने 10,000 का। हाँ तो यार अब देखो अब आपके ऊपर है वो तो मतलब अभी इसको बिल्कुल कूड़े में फेंकने लायक नहीं हो रहा था तो इसलिए मेरे को लगा कि कूड़े में फोन ही अच्छा चल रहा है ना एक्चुअली। अगर कूड़े में फेंकना होता तो फिर मैं ना कराता इसको। नाइट्रोजन भरवाने आ गए हैं बिफोर द नेक्स्ट बिग ट्रे। चलो वो कल बात करेंगे, आज फिलहाल पहले नाइट्रोजन भरवाते हैं। नाइट्रोजन भर गई, अब जाते हैं पेट्रोल भरवाने बिकॉज इसकी रेंज क्या दिखा रही है गौरव? 14 किलोमीटर बस रेंज दिखा रही है। अगर याद है तो श्रीनगर में क्या हुआ था? श्रीनगर में हमने 0 किलोमीटर रेंज हो गई थी। सो टैंक खाली हो गया है, एडवेंचर लिया। अब भारत पेट्रोलियम जा रहे हैं, पेट्रोल भरवाया जाए। रेट क्या है आज? कितने टाइम के बाद भरवा रहे हम पेट्रोल? ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। जब से आए आई थिंक तब से हमने पेट्रोल नहीं भरवाया है ना? नहीं भरवाया था, एक बार भरवाया था। चलो आज पेट्रोल का रेट भी देखते हैं क्या है। हाँ जीरो। कार सर गाड़ी ऑलमोस्ट एम्प्टी थी, बस रिजर्व भी लगने वाला था इसमें। आज मेरे से पेट्रोल की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है, खिड़की भी ओपन है। चलो भाई ओके भैया, बाय बाय। चलो जी गौरव, यहाँ पे अपना फर्स्ट टाइम रिजर्व लगा है इतना? नहीं यार, तो मैंने ऐसे तो कुछ नहीं, मैं कभी लगाता नहीं हूँ, हमेशा जब भी भरवाना होता भरवा लेता हूँ। हम कभी भी इतना रिजर्व में नहीं चलाते, दिस इज द सेकंड टाइम आई थिंक जब हमने इस तरीके का किया है। गाड़ी रिजर्व में चलानी नहीं चाहिए, उसमें फ्यूम्स बन जाते हैं टैंक में। बट इसकी डेंसिटी अच्छी थी पेट्रोल की, बहुत ज्यादा 35 से ऊपर भर गया पेट्रोल इसमें। अदरवाइज नॉर्मल हम अगर इंडियन ऑयल वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ पे 33-32 इतने में कट हो जाता है। अभी ये किसी को पता होगा, ये बीपी वाला जो पेट्रोल पंप है ये अब जियो के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, भारत पेट्रोलियम ने। हाँ ओके, नाउ जियो इज आल्सो गोइंग टू लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशंस विद बीपी। ओ ग्रेट, तो ये हो सकता है 1-2 साल में आना शुरू हो जाए और आपको दिखना लग जाए, मतलब ये बीपी वाला पूरा ये चेंज कर देंगे, तो दे विल हैव इलेक्ट्रिक स्टेशन आल्सो। तो अगर आपको चाहिए तो 1-2 साल में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्टेशन का हमने एक वो भी दिखाया था ना हाईवे पे, मैंने दिखाया था इंडियन ऑयल में नाइट्रोजन थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट था। तो ये सब मैंने आपको दिखाया रिटर्न में, अभी सब बन रहा है सब। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, 2 साल के अंदर आ जाएगा ये। आप जैसे 2024 तक आप ले लो, 23-24 तक प्रोबेबली यू माइट हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। राइट, आर वी गोइंग टू शिफ्ट? नहीं अभी कुछ शिफ्टिंग का कुछ होनी है। अगर मुझे लेनी है तो मैं तो हाइब्रिड व्हीकल लूंगा, बट हाइब्रिड व्हीकल्स आर वेरी कॉस्टली राइट नाउ, वेरी कॉस्टली। या सो आई डोंट वांट टू गो टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देयर आर सम इश्यूज विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उसके हम बाद में डिटेल बात करेंगे, वो बाद में देखेंगे। बट एज सच आई वुडंट, ओ ये क्या था, ऐसे ही कुछ लगा होगा कंकर। भाई साहब कहाँ जा रहे हो भाई, बिना इंडिकेटर बिना कुछ निकले ही जा रहे हो बस। पहले धमाकेदार रोड, पूरी गाड़ी हिलाने वाली रोड है भाई। हिला दिया, हिला डाला, लाइफ चिंगा डाला, खाया पीला, हिला दिया, अंदर बन रही है खिचड़ी।
105 रुपया। यू गाइज गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी संडे मॉर्निंग। आज हम निकल पड़े हैं एक वीकेंड मॉर्निंग ड्राइव पे बिफोर आर बिग ट्रिप, जो कि अगेन बहुत सालों से प्लान था बट हो नहीं पाया था। क्या कहते हो गौरव? यार देखो यार, अभी कुछ पता नहीं है, बट द थिंग इज, हाँ थिंग इज कि अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रूटीन जो है बेसिक रूटीन उसे ऑफ ले लो। सो गौरव इज वेरी टायर्ड इस बारी, तो इन्होंने खुद ने बोला यार आई नीड अ ब्रेक। मैंने कहा चलो ब्रेक चाहिए, तो आई एम तो ऑलवेज रेडी फॉर अ ब्रेक, चलो लेट्स गो। दिस इज काइंड ऑफ अ टेस्ट ड्राइव जो हम करने जा रहे हैं बिफोर द ट्रिप। कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, अभी कुछ भी नहीं पता। हम लोगों का हमेशा यही होता है, गाड़ी उठाते हैं और निकल लेते हैं। अभी तक आपको पता चल चुका होगा हम किस तरीके से ट्रैवल करते हैं विदाउट एनी बुकिंग्स, क्योंकि हम जब प्लान करते हैं ना, प्लान वो पूरा नहीं होता है। हमें इतना आइडिया होता है कि हमें किस साइड पे जाना है, कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, कब जाना है, वो सब नहीं पता होता। वो भी डिसाइड नहीं होता। हाँ वो भी डिसाइड नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ था कि सोसाइटी के गेट के बाहर निकले, रोड के चौराहा टी जंक्शन तक गए, वहाँ पे गौरव ने बोला कि यार जाना था रामेश्वरम, पहुंच गए गोवा। सो इस तरीके से भी होता है। आज हम जा रहे हैं एक ड्राइव पे, आप सबसे पहले रास्ता इंजॉय करो, फिर वहां पहुंच के बताते हैं कि हम कहां पहुंचे हैं। दिस इज अ नाइस रोड और यहाँ पे फास्ट टैग नहीं चलता है। फास्टैग नहीं चलता है और आपको जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर ही रखनी है, बट लोग 120 पे बना रहे हैं, हम तो 80 पे रखते हैं, आपको पता है। यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कनकपुरा रोड आ जाएगी, ये स्ट्रेट रोड जा रही है टूवर्ड्स मैसूरू, तो मैसूर के लिए भी आपको नाइस रोड ही लेनी पड़ती है। और यहाँ पे कुछ डाइवर्जन आ गया है, रोड पे आ गई है सिंगल लेन। वाओ, हमने इतना टोल इसलिए दिया है, 105 रुपए का टोल है। ट्रैफिक जाम। ये हिल जो आप देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली ये पेड़ के पीछे इज रामदेवरा बेटा, जो शोले हिल्स है शायद वही है ये। हम यहाँ पे गए हुए हैं, शोले की शूटिंग प्लेस है ये, एंड बहुत ही सुंदर ट्रैक था, डिफिकल्ट ट्रैक था जिसमें मेरी टांगे वांगे जवाब दे गई थी और मेरे को एक हफ्ते तक लेग पेन रहा था। बहुत खतरनाक, मतलब उसको ऑल्टर करने के लिए हमें एक दूसरे ट्रैक पे जाना पड़ा कि मेरी मसल्स थोड़ी वर्किंग कंडीशन में आई, इतना भयानक पेन निकला था मुझे। एंड आई एम हाइट फोबिक ऑल्सो, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा, मतलब पैर कांपने लग गए थे मेरे इस तरीके की वो चढ़ाई थी। सो गाइस ये है रास्ता कैफे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कैफ़े है बैंगलोर का, और ऑलरेडी हम यहाँ पे आए हुए हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम पे आपने स्टोरीज और फोटोज़ देखी होंगी यहाँ की, रात को बहुत ही ज़्यादा लाइवली होता है ये। एंड ऑलमोस्ट अब हम 19 किलोमीटर्स दूर हैं अपने डेस्टिनेशन से, बस पहुँचने वाले हैं। वेदर इज़ नाइस, अब सुबह के 9:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। प्रोग्राम है कि सुबह सुबह कर आएँ, ज़्यादा रश में ना जाएँ, सो दैट बाय 12:00 या 11:00 हम वहाँ से निकल जाएँ एंड वापसी घर के लिए निकलें, बिकॉज 2 घंटे का घर का रास्ता भी है एंड हम ज़्यादा क्राउड में नहीं जाना चाहते हैं। ये ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पे, आप अगर बिगनर ट्रैक भी करते हो तो आप आ सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे आपको ट्रैक मिलेंगे। गौरव कौन कौन से ट्रैक हैं जो हमने यहाँ पे किए हैं? गुड़ी बंडे है, इजी ट्रैक्स हैं यहाँ पे जो आप कर सकते हो। इवन शोले हिल्स का जो लास्ट क्लाइंब है, लास्ट असेंट है, वो ज्यादा डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट है, बट
हाँ, यहाँ पे सावन दुर्गा ट्रैक भी है ना, हाँ, वो दैट इज अ डिफिकल्ट ट्रैक, वो हमें भी करना है, हमने अभी तक किया नहीं है, उसके लिए पहले थोड़ी फिटनेस बनानी पड़ेगी. सो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है. हमने इस ईयर और लास्ट ईयर काफी सारे ट्रैक्स करे थे, स्टार्ट करा था, ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी एंड वी रियली एंजॉयड इट. अब लद्दाख से आने के बाद थोड़ा सा घर सेटल डाउन हो चुका है, अब हम सोच रहे हैं कि अब दोबारा से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं बिकॉज अब मॉनसून सीजन खत्म हो चुका है. एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स यार, हाउ ब्यूटिफुल. हम बस 6 किलोमीटर दूर हैं अपने डेस्टिनेशन से, हम जा कर रहे हैं. गौरव हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पाकिस्तान. हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हम 2 साल पहले गए थे एंड उसके बाद हम अब जा रहे हैं वहाँ पे. सो हम जा रहे हैं अरकावती रिवर संगम. अब वहाँ पे अगर मेकदुत्तू फॉल्स तक बस राइड होगी तो हम कर लेंगे, नहीं होगी तो देन वी आर गोइंग टू स्किप. बट हम बस राइड करने के ज्यादा फेवर में नहीं है बिकॉज अभी ओमनीकॉर्न, क्या है वो वायरस का नाम, ओमिक्रॉन वायरस भी आ चुका है एंड ज्यादा क्लोज्ड और ज्यादा लोगों के साथ हम नहीं रहना चाहते हैं इस वक्त. राइट, अपने ही बायोकवर में रहना है. हाँ, सो हम जस्ट एक शॉर्ट ड्राइव के लिए निकले हैं इस वक्त कि भाई अगर हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो थोड़ी गाड़ी की आदत रहे बिकॉज अभी 3 महीने हो गए हैं घर पे बैठे हुए हैं. 3 महीने तो हो गए होंगे अपने को. हाँ यार, थोड़ा अपना हाँ 3 महीने हो गए हैं. गौरव इज सुपर बिजी इन हिज ऑफिस वर्क, सो थोड़ा सा उससे निकलने के लिए एक ब्रेक लेने के लिए जरूरी था इस वक्त एंड थोड़ा सा एक लॉन्ग ड्राइव की प्रैक्टिस में भी आना था. उप्स, देख के भाई अपनी मस्ती में जा रहा था भाई. ये आते आते बिना ना स्कूटी ऑन करी ना कुछ ऑन करी पैरों से चलाता हुआ जा रहा था. गाइस यही है जो रामदेवरा बेटा हिल की तरफ, ये जो हनुमान जी दिख रहे हैं ये इसी रोड से अंदर की तरफ जाते हैं. आई थिंक कुछ 15 मिनट आगे है इसके बाद और वो जो ट्रैक है रामदेवरा बेटा हिल का, यहाँ से ये एंट्री गेट है इसका. तो यहाँ पे पहला मुझे रिलायंस का पेट्रोल पंप दिखा है पूरे कर्नाटका में. यहाँ पे फ्री नाइट्रोजन है वैसे रिलायंस पे होती है, नॉर्थ में तो थी यार, कहाँ पे वो सोनीपत के आगे वगैरह, हमने भरवाई थी. हाँ, जब भरवाई थी ट्रिप के टाइम. बहुत ही सुंदर रोड है यार, अंदर की सीनिक व्यू है. छोटी रोड है, छोटी रोड है, ट्रैफिक भी कम है और रोड की कंडीशन अच्छी है. हाँ. जो बैंगलोर की रोड्स की नहीं है. आई थिंक इवन मैसूर रोड की भी बेकार. हाँ, दिस इज मच बेटर. गाइज हम यहाँ बीच में रुक गए हैं, हम एक्चुअली पूरा संगम तक नहीं गए, संगम हमने पहले भी देखा हुआ है. सो वी थॉट कि यहाँ कहीं बीच में रुक जाते हैं एंड जस्ट थोड़ी देर एक वाटर सोर्स के पास रहते हैं. सो हियर इट इज़, यहाँ पे एक गांव है, बीच में एक ब्रिज है एंड दिस इज़ द अरकावती रिवर विच इज़ पासिंग थ्रू. आई थिंक हम संगम तक नहीं जा रहे हैं बिकॉज रोड थोड़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रोड है. सो यार दिस इज़ द ब्रिज, थोड़ी देर यहाँ तक रहते हैं एंड देन वापसी के लिए निकलेंगे. आज की ड्राइव अच्छी हो गई है, दो कुछ इसमें था नहीं देखने को बट स्टिल वी लव्ड इट. या सो ये आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल शांत है और यहाँ पे देखो गाइज यहाँ पे थी पैम्पस ग्रास और मैंने कुछ पैम्पस ग्रास तोड़ी है, वो है ये. गौरव को खुजली हो रही है बिकॉज गौरव ने काटी है. सो गाइज हम जो काम करने के लिए आए थे वो हमारा काम हो गया है. बस घूमने के लिए आए थे और वो हो गया और हम अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं. धूप भी काफी तेज हो गई है. हाँ, हमारा यही प्रोग्राम था कि हम स्मॉल राइड पे निकलेंगे, हम थोड़ा जाएंगे, थोड़ा सा फोटो वोटो खींच लेंगे एक आधी और अब हम वापस जाएंगे और रास्ते में हम शायद यहाँ का सबसे फेमस कर्नाटका का तट्टे इडली शायद खाएंगे, देखते हैं. जो मैंने अभी तक नहीं खाया. हाँ तो देखो एंड तो लेट्स गो, चलो. सो गाइज वीडियो अब यहीं एंड कर रहे हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो यार और आपके प्यार की वजह से आप हमको लाइक भी दो इस चैनल को.
So let's go. Share the video. चलो चलते हैं. वहाँ से तो हम टाइम पे निकल गए थे. अभी 3 बज रहे हैं. हम लालबाग बोटेनिकल गार्डन पहुँच गए हैं. ऑलरेडी हम यहाँ पे पहले आए हुए हैं, बट मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा प्लांट शॉपिंग करती हूँ. और रश देखो यार, कितना ज़्यादा है. देखते हैं अंदर पार्किंग अवेलेबल है या नहीं. नॉर्मली यहाँ पे इतना रश होता नहीं है इस तरीके से, बट आज संडे है सो सीम्स आज क्राउड ज़्यादा है. और यहाँ की जो प्लांट नर्सरी है बहुत ज़्यादा अच्छी है. ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, बहुत पहले डाला था, तब यहाँ पे फ्लावर शो था. तो वो वीडियो अगर आपने चेक करनी हो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर यार प्लेलिस्ट में चेक कर लेना. लालबाग की एंट्री के लिए वैसे पर पर्सन टिकट 30 रुपीज है, बट अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो सिर्फ आपको कार की एंट्री फीस देनी है, कार की पार्किंग फीस देनी है, विच इज 50 रुपीज. अदरवाइज पर पर्सन 30 रुपीज है अगर आप अंदर जा रहे हैं. नर्सरी इस साइड है, हम इस साइड जा रहे हैं. और इस साइड सारा अंदर बोटैनिकल गार्डन है जो हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है. सब शाम को यही देखना बाकी था. लालबाग से जा रहे हैं वापसी घर और बारिश ने हमारा स्वागत किया है. स्वागत नहीं करोगे हमारा? कर दिया है बारिश ने. तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे यार आप? सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बनता है. तो शेयर लाइक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो भाई. इंस्टाग्राम पे आज मैंने स्टोरीज डाली हैं, आपने चेक करी हैं या नहीं करी हैं?